श्योपुर से खबर सामने आ रही है। अगस्त 2021 में आई बाढ़ से प्रभावित हुए बत्तीसा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों का प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में बुधवार से तहसील कार्यालय परिसर बड़ौदा पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान धरना दे रहे बाढ़ पीड़ितों ने शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया व बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़े जाने की मांग की है। राधेश्याम मीणा मुंडला ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 अगस्त 2021 को ओलावृष्टि के कारण आई बाढ़ से जिले के समस्त किसान व आमजन प्रभावित हुए हैं तथा हजारों की संख्या में आवास मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिस कारण क्षेत्र के लोग बेघर हो गए, जिनको बाढ़ आपदा RBC के अंतर्गत 95,000 की सहायता राशि प्राप्त हुई। ऐसे में बाढ़ प्रभावित व अन्य प्रभावितों को जिले के अधिकारियों द्वारा मनमाने व गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना से अपात्र घोषित कर सूची से नाम हटा दिया व इस दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया गया। पात्र लोगों को शासन की सहायता से वंचित रखा गया। बाढ़ राहत के दौरान भ्रष्टाचार की भी जाँच कराने की भी मांग की गई है। इस अवसर पर हरि सिंह लवली सोठवा, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेंद्र हलगवाड़ा, OBC महासभा के जिला अध्यक्ष विनोद अहड़वाल, जिला अध्यक्ष कपिल कुमार सेन, दिनेश बोरदा देव, बलमुकुंद धनखेड़ा, सोलेंद्र भिलवाड़िया, विनोद भिलवाड़िया, इंद्रपाल बोरदा देव, दिलखुश बड़ौदा सहित बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित ग्रामीण उपस्थित रहे। श्योपुर जिले में भयंकर रूप से बाढ़ आई, जिसमें हजारों ग्रामीण प्रभावित हुए। बाढ़ के दौरान ग्रामीणों के घर संपत्ति मकान का भयंकर रूप से नुकसान हुआ, उनकी फसलें बर्बाद हुई, पशुधन की हानि हुई। ऐसे बाढ़ पीड़ितों को शासन की पर्याप्त सहायता मिले, वो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, इसके लिए उस समय बाढ़ प्रभावितों के बीच में दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व क्षेत्र के सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पर्याप्त सहायता के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास देने का भरोसा दिया, घोषणा की। लेकिन अभी तक बाढ़ पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। जिन बाढ़ पीड़ितों को 95,000 RBC के नियम के अनुसार जो सहायता राशि प्राप्त हुई है, ऐसे बाढ़ पीड़ितों को, सभी बाढ़ पीड़ितों को PM आवास से अपात्र घोषित कर दिया गया है। इसलिए मजबूरन हमको यहाँ बड़ौदा तहसील कार्यालय परिसर पर बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, जो बाढ़ पीड़ित PM आवास में छूट गए हैं, उनके नाम PM आवास की योजना में जोड़ा जाए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। वो उस दौरान जो भयंकर रूप से बाढ़ राहत के नाम पर जो घोटाला हुआ, तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार थी, उनके कार्यकाल की भी जांच की जाए, घोटाले की जांच की जाए, ऐसी भ्रष्ट तहसीलदार को निलंबित किया जाए और उनके ऊपर जांच बैठाई जाए। इन मांगों को लेकर हम यहां धरना दे रहे हैं। सरकार ने और प्रशासन ने हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में हम इस आंदोलन को व्यापक करेंगे, उग्र करेंगे।